अच्छा, हुदैबिया की बात करें तो वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ हुदैबिया पेपर मिल्स के बाद काफी ज्यादा रिलीव्ड हैं, उनके बारे में कुछ साबित नहीं हो सका, उनके बेटे के बारे में कुछ साबित नहीं हो सका, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि कोई किताब है, ये किताब ये दे मुझे जरा रजिस्टर सा, इसी रिकॉर्डिंग के दौरान वो कैलेंडर सा दे देना, मैं कौम को समझाऊँ तो सही ना। देखें जी, ये हुदैबिया केस है, ये हुदैबिया केस है, इसे किसी ने झाड़ा भी नहीं, किसी ने खोला भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, जुल्म अजीम है। अब क्योंकि नई चीज़ें आ गई हैं, ये टाइम बार्ड हो गया था, ये हुक्मरानी में आ गए, अब जजेस ने इनके हक में फैसला दे दिया है। हम मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, मैं ये खबर कौम को दे रहा हूँ कि इसमें नई बातें निकली हैं। मैं मिलने जा रहा हूँ जी जस्टिस जावेद इकबाल को, और मेरी तबीयत ठीक नहीं, एक आधे दिन तक सारा मीडिया होगा वहाँ पे, और मैं केस लड़ूंगा और लेकर जाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला ये केस नए सिरे से लगेगा। अच्छा शेख साहब, बहुत सारे नाकिदीन भी और जनरली मुबस्सरीन ये बात कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का होगा, ये इलेक्शन का सिनेरियो होगा, इसके अंदर जो कि नवाज शरीफ को किसी कीमत में कबूल नहीं होगा। नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, ये मुग़ल शहनशाह हैं, ये अपने अलावा किसी से, ये शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं देखना चाहेगा इस इलेक्शन में। उसकी सियासी मौत है कि मैं नाहल हो गया हूँ। वो समझता है कि मास्टर प्लान ही ये था कि -1 किया जाए और शहबाज शरीफ को खिलाया जाए। जब उसने हल्का 120 में शहबाज शरीफ का नाम दिया, घर आया तो मरियम और कुलसूम साहबा ने उसको वीटो कर दिया। वो नहीं चाहता कि शहबाज खेले, वो कहता है या वो घर वाले नहीं चाहते, मरियम नहीं चाहती, मरियम तो खुद अब मुस्तकबिल की कैंडिडेट है। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने तो कहा था ना हमजा शहबाज जो होंगे वो उनके सियासी जानशीन होंगे, ये मरियम नवाज साहिबा तो सीन में बाद में आई थी। कहते ही हुए हैं, हर चौथे दिन वो चला जाता है हमजा शहबाज लंदन में, नाराज हो गए। कहते यही हैं, हर एक को अपना बेटा प्यारा होता है, हर एक को अपनी औलाद प्यारा होती है। अपनों को बांटते हैं, लोगों को डांटते हैं, और मैं जानता हूं अंदर से शहबाज की क्या हसीयत है नवाज के सामने, बिग जीरो। ये बहुत बड़ा दावा है शेख साहब, यानी वो तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ भाई हैं, मरियम कहती हैं हम साथ लेकर चलते हैं। मेरे भी चार भाई हैं, पांच भाई हैं, एक भाई से मैं बात करता हूं, चारों से नहीं करता। मेरे सखे भाई हैं, पांच मेरे भाई हैं, एक भाई शेख शफीक से मेरी लैन है, मैं उससे बातचीत करता हूँ, बाकी चार भाइयों से मैं नहीं करता। मेरा अपना एटीट्यूड है, या उनमें मैं समझता हूँ ये। सो शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ के नज़दीक शहबाज शरीफ की अहमियत इज़ ए बिग जीरो। सही है, दैट्स डेफिनेटली अ बिग स्टेटमेंट है।